हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जाति की बात करने जा रहा हूं जो सभी जातियों में से सबसे बहादुर जाति है, और उसी जाति को सदियों से नीच, अछूत, अस्पृश्य बताया गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चमार जाति की। चमार जाति एक बहादुर कौम है। इस जाति के अगर आप कारनामे जानोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चमार जाति मजबूत जाति, बुद्धिमान जाति, इसके बराबर पूरे भारत देश में कोई नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के हिसाब से हिंदू धर्म को चार टुकड़ों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, और शूद्र वर्ग को 6743 जातियों में बांटा गया है। यानी कि देखा जाए तो हिंदू धर्म एक जातियों का समूह है, और उसी शूद्र समाज में एक अस्पृश्य जाति है चमार, जो कि बहादुर कौम है। मैं बहादुर कौम क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को जब आप पूरी देखेंगे तब आपको बातें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इस धरती पे पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ताकतवर किसी को कहा जाता है, वह कहा जाता है भगवान को, गॉड को। सभी लोग आस्था रखते हैं भगवान में, लेकिन चमार जाति के बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें सभी लोग आस्था रखते हैं, उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। किसी के बस की बात नहीं है। चमार जाति के लोगों का सीधा सीधा कहना है कि इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। भगवान के होने या ना होने पर, यानी कि उसके अस्तित्व पर, किसी भी कौम के पास इतना हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वह सवाल उठा दे। लेकिन चमार जाति के लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इतना तर्कशील है, इतने ज्ञानवान है, इतने बुद्धिमान है, इतने समझदार है कि वह सीधे सीधे भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं, और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने का उनका अधिकार भी है। अगर भगवान होते तो हजारों वर्षों से चमार जाति के लोग, यानी कि अति शूद्र समाज के लोग, सिर्फ एक कौम ब्राह्मणों के गुलाम रहे हैं। क्या उनको बचाने नहीं आना चाहिए था? नहीं बचाने आए। क्यों नहीं बचाने आए? क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अगर कोई बचाने आया तो कौन आया? वह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी आए। कोई और उनको बचाने नहीं आया। इस वजह से चमार जाति के लोग परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुयायी है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। इसलिए चमार जाति के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग बुद्धिज्म का अनुसरण करते हैं, और तथागत बुद्ध ने सीधे सीधे कहा है कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, तुम किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, तुम किसी बात को तब मानो जब तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो तुम सीधे सीधे उसका त्याग कर दो। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है तो तुम उसे ग्रहण कर लो। दोस्तों, हम अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। पूरे भारत में 6743 जातियों की लोग, यानी कि सभी वर्ग जो भी है वर्ग भारत में है, सभी वर्ग ब्राह्मणों को महत्व देते हैं, ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। लेकिन चमार जाति यानी कि चमार कम्युनिटी के लोग हैं ही ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को सिर्फ इंसान समझते हैं, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, उसी तरह ब्राह्मण जाति के लोग भी इंसान हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण से सभी समुदाय के लोग डरते हैं, लेकिन चमार जाति के लोग उनका जम करके मुकाबला करते हैं, और उनकी जो मनुवादी विचारधारा है, यानी कि अंधविश्वास, पाखंडवाद, चुआचूत, जातिवाद, भेदभाव, ढोंग, उन सभी को पुरजोर बहिष्कार करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चमार जाति को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अति शूद्र यानी कि अस्पृश्य घोषित किया गया था। वह लोगों के बराबरी पर बैठ नहीं सकता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था,
उनको धन रखने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनकी परचाइयों से भी उनको दिक्कत थी। उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया था। उस व्यवस्था को बदल करके चमार जाति के लोगों ने सबकी बराबरी कर ली तो है ना चमार जाति बहादुर कौम। और लाख कोई जातियों में ऊंचा फिरता परे, चमार जाति ने जितना विकास किया अपना, जितना विकसित हुए इतना किसी कौम ने नहीं किया। वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और चमार जाति के लोगों ने अपना इतिहास खोज खोज कर निकालना शुरू किया। चमार जाति के लोगों को पता है कि उनके बहुजन महापुरुष कौन कौन हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं जो मानव हित में था। दोस्तों, जितने भी महापुरुष हैं, ज़्यादातर महापुरुष ओबीसी समाज से हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है। अपने महापुरुषों को वह लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन चमार जाति के लोगों ने उनको आँखों पर बैठा रखा है, सर पर बैठा रखा है, अपने दिल में बसा के रखा है, उनकी पूजा करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। इसलिए चमार जाति बहादुर जाति है। वह जाति नहीं दिखती है, वह महापुरुषों के विचार देखते हैं, विचारों का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब है, जिस कौम के महापुरुष हैं, कम से कम उस कौम को अपने महापुरुषों के विचारों को जिंदा रखना चाहिए। लेकिन वह कौम अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ना तो दूर की बात है, वह जानते तक नहीं है। वही चमार जाति के लोग उन सभी महापुरुषों के इतिहासों के अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। तो है ना चमार जाति के लोग बहादुर। दोस्तों, भारतीय संविधान लिखे जाने के बाद मान्यवर श्री काशीराम साहब ने बहुजन इतिहास में से भारतीय संविधान से पूरी कम्युनिटी को, पूरी बहुजन समाज को भारतीय संविधान और बहुजन महापुरुषों से परिचय कराया। उसका सबसे ज़्यादा किसी ने अनुसरण किया, पालन किया, तो वह चमार जाति ने किया। और आज के समय में ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद पे चमार जाति के लोग पहुँचे नहीं हैं। बस राजनीतिक एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिस पे चमार जाति के लोग पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनका टारगेट निशाना प्रधानमंत्री की कुर्सी है। एक न एक दिन वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वह चीन लेंगे। चमार जाति के लोग मजबूर कहाँ हो जाते हैं, जहाँ पर उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, वह दिक्कत होती है ओबीसी समाज से, क्योंकि ओबीसी समाज अपना ही इतिहास नहीं जानता है, तब वही जाकर के चमार जाति का रोड़ा बन जाती है। बल्कि वह लोग दोनों आपस में भाई भाई है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी लोग शूद्र थे, अपने इतिहास के जानकार के अभाव में ओबीसी समाज ही शेड्यूल कास्ट का रोड़ा बन जाता है। जिस दिन ओबीसी के लोग जाग जाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि चमार जाति के लोग अपने ही अधिकारों के लिए लड़ रहा था, और उस दिन चमार जाति के लोगों पर गर्व होगा कि इन लोगों ने हमारा इतिहास बचा रखा था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।